राजा देवेंद्र बहादुर ने किया सांकरा मंडल के गांवों में जनसंपर्क। जिले के बहुचर्चित हाई प्रोफाइल बसना विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक प्रत्याशी राजा देवेंद्र बहादुर सिंह लगातार जनसंपर्क करते हुए क्षेत्र के दौरे पर हैं। इसी क्रम में वे कल बसना विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों के दौरे पर रहे। नेशनल हाईवे पर स्थित गांवों में जनसंपर्क के दौरान जनता अपने राजा को सुनने के लिए बड़ी संख्या में उमड़ रही है। इस दौरान जब हमारी टीम ने कल जारी हुए कांग्रेस के घोषणा पत्र के विषय में राजा देवेंद्र बहादुर से चर्चा की, तो आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा। राजा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। कौन कौन सा स्थानीय मुद्दा लेके जनता के बीच पहुंचा था, क्या माहौल है जनता के, क्या मूड है? वैसे स्थानीय मुद्दा से कहें तो हम लोगों का योजना ये है कि ज्यादा से ज्यादा ग्रामीणों को फायदा मिले, किसानों को सहयोग और उनके उन्नति के नए कार्यक्रम बने, और इसमें हमारे कांग्रेस पार्टी ने आज ही घोषणा पत्र जारी किया है। और आज घोषणा पत्र देख करके हमारे जितने भी मतदाता हैं, किसान हैं, अन्य वर्ग है, हर कोई बहुत प्रफुल्लित है। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र आया था, उसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नकल का प्रयास वो लोग किए हैं, लेकिन नकल भी ठीक से नहीं कर पाए। जनता के बीच पहुंचे थे, जनता का प्रतिसाद दे थे, जनता कैसे आपसे मुखातिब हुआ थे, विषय बताओ। जनता बहुत आशान्वित है, पिछले 5 साल से काफी कांग्रेस पार्टी की योजनाओं का फायदा उसे मिला है, कांग्रेस ने जो घोषणा किया था उसे पूरा किया है, तो उम्मीद की किरण कांग्रेस में ही जनता को दिखाई दे रही है। और कांग्रेस सरकार का इस बार भी जनता के आशीर्वाद से सरकार बनना तय है। दोनों के घोषणा पत्र में केवल कर्ज माफी के अंतर है, कर्ज माफी कितना इफेक्ट करेगी ये चुनाव में? पूरा हमारा जो घोषणा पत्र है वो विशेष और स्पेशल कह सकते हैं, वो पूरा असर करेगा। पिछले बार भी जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है वो असर किया, उसका कारण ये है कि कांग्रेस वादा के अनुसार काम करती है, अपनी जो घोषणा रहती है उसे पूरा करती है और वादा खिलाफी नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी झूठ में विश्वास करती है, पिछले बार भी उन्होंने जो कहा वो कुछ नहीं किया है ना। कर्ज माफी करेंगे बोले 2013 में, वो नहीं किए। हर साल बोनस देंगे बोले, वो नहीं दिए। इसलिए जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर नहीं है, कांग्रेस पार्टी के ऊपर। तो क्या संदेश देना चाहूँ हमारे चैनल के माध्यम से क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र की जनता ला? हमारे क्षेत्र की जनता बहुत समझदार और जागरूक है, और हम लोग उनसे निवेदन किए हैं, हमारा निवेदन जनता स्वीकार करेगी, ऐसा मुझे आशा है। तो संगवारी हो एर ही से राजा देवेंद्र बहादुर सिंह कांग्रेस से प्रत्याशी है, वर्तमान विधायक है बसना से, जिमन हम बात करते रहे, अपन जनसंपर्क में पहुंचे रही, हम मन पहुंचे, नुकर से बात करें, नुकर जनता से बात करें। तो देखत रहो संगवारी हो द हॉकर न्यूज।